चलाने में बहुत ज़्यादा रिस्की है। एंड गाइस यहीं पे गंगा स्नान होता है, ये वही जगह आपको यहीं पर लेके आए। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे शॉप लगे दुकान, और अभी नए नए दुकान आ भी रहे। कि कैप्सूल टाइप से बना हुआ है कुछ, जो पानी में तैर रहा है आप लोग देख सकते हैं। इसके अंदर पानी चला गया और ये अंकल जी इसमें से पानी निकल रहा है बाल्टी में। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो गाइस फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं शारदा नदी घूमने, और इस ब्लॉग में बने रहना। एंड इस ब्लॉग में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वहाँ पे एक ऐसा कैप्सूल शेप में बना हुआ है जो पानी में तैरता है, इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग के एंड तक बने रहो। सो चलते हैं अभी। सो गाइस फाइनली जा रहे हैं अभी शारदा नदी। और गाइस ये पुल के ऊपर से जाएंगे हम लोग, देख सकते हैं पुल धीरे धीरे। और गाइस देख सकते हैं यहाँ लोहे की चादर की पट्टी बिछी हुई है, क्योंकि यहाँ पे बाइक वगैरह फंस जाता है इसीलिए। और यहाँ पे आज से मेरा लग गया, मतलब आज छोटा मोटा है, मगर 6 दिन बाद जो मेला आने वाला है गंगा स्नान का, वो बहुत अच्छा होगा। ये देख सकते हैं साइड में दुकानें वगैरह लग गई। टिक्की खाएंगे मन। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे शॉप लगे दुकान, और अभी नए नए दुकान आ भी रहे, ये देख सकते हैं खाली है। और इधर से पूरा दुकान लगे कि जंपिंग जापान भी लगे, और यहाँ पे भंडारा भी होता है। तो मिलते 21 तारीख को यहाँ पे। गाइस हम लोग आ गए शारदा नदी पे, ये देख सकते हैं आप लोग। और अभी हम लोग यहाँ पे बाइक पार्क करेंगे, कुछ फोटोशूट वगैरह करेंगे थोड़े टाइम में, और जो आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगा तो यहाँ पे रखता है। देख सकते हैं वहाँ पे एक नाव भी लगा हुआ है। सो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अभी शारदा नदी, और देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे पानी बह रहा है और पीछे नाव भी है, और नाव के ऊपर जाएंगे अब लोग, काफ़ी मज़ा आने वाला है। एंड गाइस यहीं पे गंगा स्नान होता है, ये वही जगह आपको यहीं पर लेके आए, और यहाँ से 6 दिन बाद यहाँ पे गंगा स्नान होने वाला है। ये अपने सारे फ्रेंड्स हैं। अमन कुछ बोलेगा? हाय गाइस। सो गाइस देख सकते हैं ये लोहे की कैप्सूल टाइप से बना हुआ है कुछ, जो पानी में तैर रहा है आप लोग देख सकते हैं। एंड यहाँ से बहुत सारे हैं, कितने होंगे, 10 से तो ज़्यादा ही है, 10 प्लस ही है। बताना ये लग रहा है ना गोवा वाले बीच एकदम। और ये मेरा छाया, यो कैसे हो, बढ़िया? चलो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। हाँ 10 रुपये खुल ले, दे दो, गाना सुना दो। चलो एक गाना सुनाएंगे अभी हमारे महाराज जी। ये कौन सा मंत्र बोल रहे हो? बस बस बढ़िया गाना गाया तुमने। चलो राम राम। मेरा नाम सौरभ, आपका नाम क्या है? बाबू। बाबू कौन से गांव से हो? चंदिया जा रहा? अच्छा माँ बाबा नहीं है? अच्छा माँ बाप नहीं है? नहीं नहीं नहीं, दूध नहीं, खाने का है, नहीं।
तुम दारू पीते हो मुझे पता है। नहीं पीते हो? दारू पीते हो तुम? तो खाना ना खाना तो खिला देंगे। नहीं बाबा। चलो मैं दे रहा हूँ आपको। कहाँ है पैसा? कहाँ है? हेलो। सो गाइस जा रहे हैं अभी पुल के ऊपर और अभी हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा शूट किए फोटोज वगैरह, काफी अच्छा अच्छा फोटो है, बहुत मजा है यहाँ पे आके। चल रहे अभी छोटा बीच है भाई गोवा का ये। ये है पुल और गाइस हम लोग पुल के ऊपर से जा रहे हैं अभी उस पार, और यहाँ से नेपाल ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से इसके आगे संपूर्ण नगर है, संपूर्ण नगर आगे नेपाल है और हम लोग आगे पूर्णिल पुल के ऊपर देख सकते हैं। सूर्य देवता बड़ा मेहरबान है हम पे। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये लोहे का है और पानी में तैर रहा, देख। सो हम लोग जा रहे हैं अभी आगे और यहाँ पे देख सकते हैं अभी पीछे कुछ लोग गंगा स्नान में नहा भी रहे, आज मतलब इस महीने का फर्स्ट सोमवार है इसीलिए आए। पानी की बहाव देखो भाई सब लोग, कल देख सकते हैं इसके अंदर पानी चला गया और ये अंकल जी इसमें से पानी निकल रहा है बाल्टी में, ये देख सकते हैं आप लोग। पहले डेली निकलना पड़ता है पानी, डेली इसके अंदर पानी आ जाता है इसे और डेली निकलना पड़ता है। इधर भी एक भैया है लगे हुए, देख सकते हैं हम लोग। बस एसी वाले में ही है। सो गाइस कमेंट करके बताना ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। गाइस अभी शारदा नदी के पुल के ऊपर मैं खड़ा हूँ और देख सकते हैं यहाँ से कुछ लोग उससे पानी भी निकल रहे हैं क्योंकि उसके अंदर पानी भी चला जाता है कैप्सूल के अंदर, तो निकलना पड़ता है और काफ़ी रिस्की वाला। और इसके ऊपर से धीरे 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 गाड़ी आती हुई देख सकते हैं, चलाने में बहुत ज़्यादा रिस्की है। बाइक देख सकते हैं आप लोग, टाइगर, ये मेरा जैकी जैसे लग रहा है, एकदम खतरनाक है ये भी। सो गाइस जा रहे भी आगे तरफ और आगे चल के दिखाएंगे, आगे एक जंगल टाइप से बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि डिस्कवरी चैनल में आप लोग देखते हैं ना, सेम वैसा ही बना हुआ है। सो हम लोग अभी आगे जा रहे हैं और ये देख सकते हैं आप लोग, ये जंगल ऐसा लग रहा है कि जैसे डिस्कवरी चैनल में बना होता है ना, और ऐसा जंगल पर शेर वेर दिखाया जाता है, सेम वैसी वाली फील आ रही है यहाँ पर देख के। अरे भाई क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखो टाइगर आ रहा है, आगे जा रहे अपन। अरे चिल्ला क्यों रहे भाई, फालतू में चिल्ला जा रहे कुत्ते की। अरे भाई चुप जा। अमन कैसी वाली फील आ रही है जंगल पे? मजे आ रहे हैं। नहीं ऐसा लग रहा है ना कि जैसे डिस्कवरी में दिखाया जाता है एनिमल प्लेनेट पे शेर निकलते, वैसे वाली जंगल लग रहा है, वही जंगल है डिस्कवरी वाला, वही जंगल है इधर, इसमें शेर बहुत है। तो गाइस आओ चलते आगे चलते हैं हम, और आगे चल के दिखाएंगे, वहाँ बहुत सारे लोगों से बात भी करेंगे कि आपको यहाँ पे यहाँ के कैसा लग रहा है, तो सबसे बात करेंगे अभी और चलते पूरा आपको मिलेंगे, ग्राउंड दिखाएंगे जहाँ पे अभी मेला लगने वाला है काफ़ी बड़ा, वो वाला पूरा ग्राउंड दिखाएंगे। अभी नए नए दुकान भी आ रहे हैं, बहुत सारे शॉप भी आ रहे हैं तक, बहुत मतलब 21 तारीख तक बहुत सारे शॉप भी आ जाएंगे। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे लोग कथा करवा रहे हैं यहाँ पे। देखते कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ से कार जा रहे हैं, वाओ बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ से देखते। और यहाँ पे ये कथा वगैरह हो रहा है, ये लोग कथा करवा रहे हैं जिसकी मनोकामना पूर्ण पूरी हो जाती है, यहाँ पे कथा आके कथा करवाते हैं। गाइस ए रही अपनी बाइक और अभी आगे जा रहे हैं अपन, आगे चल के थोड़ा दुकान का शेयर करेंगे।
और अभी हम लोग बस पहुंच गए वहां पे। गाइस आसमान है नीला और देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे रुके हैं अभी। ओहो क्या सीन आ रहा है यहाँ से, क्या व्यू है यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हल्के फुल्के बादल भी छाए हुए, गोवा वाला बीच लग रहा है पूरा एकदम। गाइस बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत ही ज्यादा अच्छा। गोवा के बीच पे आ गए हम लोग, ऐसा लग रहा। सो गाइस कमेंट करके बताना आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो को कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।